इलेक्शन कमीशन ने अपना आज फैसला इमरान खान के हक में सुना दिया है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने 7 सीटों पर जो इमरान खान इलेक्ट हुए थे वो फैसला महफूज किया हुआ था ज़मीनी इंतखाबात का। आज इलेक्शन कमीशन ने ज़मीनी इंतखाबात का 7 सीटों का फैसला सुना दिया है। इमरान खान ने 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। आइए जरा देखें हवाले से भी कुछ इस तरह की तफसीलात सामने आ रही हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त ये बड़ा अहम फैसला जो कि आना था और अब हम देख रहे हैं कि वो आ चुका है, और ख़बर यह आ रही है इस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इमरान खान तमाम 7 नशस्तों से कामयाब हैं। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। जो फैसला महफूज किया गया था वो अब सुना दिया गया है। आपको बता दें कि ईसी ने इंतखाबी खराजात की तफसीलात जमा ना कराने पर महफूज फैसला सुनाया है। इमरान खान ने मर्दान, चारसद्दा और पेशावर से कामयाबी हासिल की थी, अब इसका बकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सबसे यही खबर थी कि नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं होगा, लेकिन इस वक्त की अहम खबर यह आ रही है कि इमरान खान की ज़मीनी इंतखाबात में 7 हलकों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको इस वक्त अहम खबर दे रहे हैं। आपको बता दें कि इमरान खान तमाम 7 नशस्तों से कामयाब करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। ईसी ने इंतखाबी खराजात की तफसीलात जमा न कराने पर फैसला महफूज किया था। इमरान खान ने मर्दान, चारसद्दा और पेशावर से कामयाबी हासिल की थी। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर कबल इस तरह की इतलात थी कि 7 हलकों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को आज सुनाना था, जो कि अब सुना दिया गया है। अहम फैसला सुनाया गया है। तफसीलात लेंगे। ज़ुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद है। ज़ुल्करनैन, जो